दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक जबरदस्त कंटेंट के बारे में बताने वाले हैं। भाई कंटेंट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर आप भी ऐसे कंटेंट पे वर्क करेंगे ना तो आपका भी चैनल भाई बहुत जल्दी वायरल होने वाला है, क्योंकि भाई ये कंटेंट काफी यूनिक है, काफी अलग है। और जाहिर सी बात दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब पे कुछ अलग कर देंगे ना भाई, देखिए यूट्यूब वीडियो कैसे वायरल होता है, जब आपकी वीडियो कुछ लोगों से अलग हो, मतलब जो मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आपकी वीडियो अलग हो जाएगी ना, तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो कंटेंट अलग कैसे होगा, इसके बारे में, अलग कंटेंट के बारे में आपको बताएगा कौन? भाई मैं बताऊंगा आपको कैसे आप अलग कंटेंट पर वर्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने 10 गोभी है, तो कौन सा गोभी लेंगे जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा? उसी प्रकार से भाई ये कॉन्टेंट में भी है। आपका कॉन्टेंट कोई कब देखेगा? जब आपका कॉन्टेंट भाई लोगों से बेस्ट होगा। तो जाहिर सी बात दोस्तों, अगर आप भी अपने कंटेंट जबरदस्त बनाएंगे तो आपका वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल होने वाला है। तो मैं अभी आपको कंटेंट दिखाऊंगा और वो देखिएगा भाई, खुद से बताएगा भाई ये कंटेंट अलग है या नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपके बगल में कंटेंट यहाँ पे प्ले भी कर दे रहा हूँ। यार देखिए कंटेंट, देखिए आप लोग, ठीक है। और ये कंटेंट देखने पर आपको खुद आपको कैसा लग रहा है भाई, पहले आप मुझे ये बताइए इस कंटेंट में हो क्या रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कंटेंट है ना, ये पुराने से पुराना कपड़ा जो होता है उसी को लेके, कपड़ा हो गया, चटाई हुआ, जो भी हो गया उसको लेके पूरा गंदा रहेगा, उसको साफ करके दिखाएंगे उसका बिफोर और आफ्टर, पहले कैसा था और अब ये उन्होंने कैसा कर दिया। अगर आपको मैं बात करूं भाई, यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे इंडिया में इस कंटेंट में कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आपके मन में एक डाउट भी आ रहा होगा भाई, जब कोई वर्क ही नहीं कर रहा है तो मैं बनाऊंगा तो क्या ऐसा वीडियो वायरल होगा? तो मैं आपको बता दूं भाई, ये इंडिया में नहीं वर्क कर रहा है भाई, विदेशों में ऐसा हर एक लोग वीडियो बना रहे हैं। और जाहिर सी बात दोस्तों, विदेशों में ऐसा वीडियो चल रहा है और इसमें कोई वॉइस का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि भाई इसमें जो कपड़ा लगा रहा है वही सिर्फ वॉइस चल रही है, मतलब वॉइस इसमें नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब वॉइस नहीं है ना, तो ये वीडियो इंडिया में भी लोगों के पास रिकमेंड करता है ना, उसको लोग मजे में देखते हैं, क्योंकि भाई उनको पता ही नहीं है कि भाई ये कंट्री कहाँ की। तो कहीं ना कहीं भाई, अगर आप भी इस वीडियो को अगर इंडिया में अपने लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे, लाएंगे अपने लैंग्वेज में, बताएंगे लोगों को, तो आपका वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल होने वाला है। दोस्तों इस कंटेंट के बारे में तो मैं बताऊंगा साथ साथ, यार आप लोगों के प्यार और आप लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की वजह से फाइनली मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इसके लिए यार आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये हो पाया। तो यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये मेरे लिए बहुत खुशी का पल भी है, लेकिन मैं क्या ही करूं यार, क्योंकि मेरे चैनल पे किसी ने 2 फेक स्टैग भी दे दिए, और जैसे ही मेरे चैनल पे 3रा स्टैग आएगा ना, मेरा चैनल यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब यूट्यूब डिलीट कर देगा। और ये फेक स्टैग है भाई, मैं आपके बगल में यहाँ पे लगा रहा हूँ, अभी आपको भी पता चलेगा भाई ये फेक स्टैग है। अब बगल में दोनों स्टैग जो मारा गया, ऊपर देखिए एक SDM ज्योति मौर्या करके कुछ है और नीचे एक सॉन्ग है, वो लड़की मेरी जिंदगी है, कुछ इस प्रकार दोनों सॉन्ग है, और ये दोनों सॉन्ग का मुझे स्टैग दिया गया भाई। आप समझिए, आप ही आप ध्यान समझिए भाई, मैंने कभी आपके आपको अपने वीडियो में कभी गाना सुनाया क्या, या फिर मैं कभी उस न्यूज के बारे में बताया क्या, मैं न्यूज ऐसा न्यूज कोई आपको बताया? भाई ये बंदा पता नहीं किस प्रकार से मेरा कंटेंट वगैरह चुरा वगैरह करके पता नहीं कैसे मेरे चैनल पे फेक स्टैग मार दिया। और भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरी कुछ गलती भी नहीं थी और उसके बाद मुझे फेक स्टैग पड़ा है, और जो दोनों वीडियो मेरे आज यूट्यूब ने डिलीट किया है, मेरे चैनल पर वो वीडियो नहीं है। आज से 5 से 6 दिन पहले मैंने वो वीडियो डाला था, आज यूट्यूब पर वो है नहीं, ठीक है। तो यार मैं इतना मेहनत करके वीडियो डाला था, वो हट गया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। साथ साथ ये एक फेक स्टैग, इसका और भी बड़ा प्रॉब्लम है, और मैं यूट्यूब के रूल से बहुत ज़्यादा, यार पता नहीं कैसा यूट्यूब का रूल भाई फेक स्टैग एक्सेप्ट क्यों करता है। हालांकि मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहा हूँ कैसे न कैसे करके स्ट्राइक हट जाए। और मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, देखिए अगर आपके भी चैनल पर कभी फेक स्ट्राइक आना और आपका खुद का वीडियो है, तो आप भी अगर YouTube पे जब भी स्ट्राइक आता तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन, काउंटर नोटिफिकेशन सेंड करने का ऑप्शन आता है। तो अगर आपका खुद का कंटेंट हो तो आप खुद से कोशिश करें, क्योंकि भाई अगर आप खुद का कंटेंट हो आप YouTube को बताएंगे तो हो सकता है भाई वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको अगर नहीं आ रहा है, मतलब अगर आपको हटाने का प्रोसेस नहीं पता चल रहा है, तो ऐसा नहीं भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात जरूर से इसको नोटिस कर लीजिएगा, कभी भी कोई स्ट्राइक आएगी तो आपको कहीं इधर उधर भटकना है, इधर उधर वीडियो देख के कुछ भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है, कि इनका वीडियो देख लिया वहां पे चला गया, उनका वीडियो देख के वहां पे चला गया, वहां पे आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप आएगा सीधे मेरे इंस्टाग्राम पे आएंगे, वहां पे मैं आपको जानकारी दूंगा कैसे कैसे आपको क्या करना होगा, ठीक है। दोस्तों अभी ये जो स्ट्राइक है ना, अभी ये दोनों स्ट्राइक मेरे चैनल पे एक्टिव है, अब 3 महीने के अंदर कभी भी एक स्ट्राइक और आ गया तो मेरा जो चैनल वो डिलीट कर देगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हट गया तो हट गया, अगर नहीं हटा तो यार अगर मेरा चैनल डिलीट हो जाता है तो यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा यार कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं वहीं पर आपको बता पाऊंगा। तो प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पर भी जाके
फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं सब कुछ आपको बता पाऊँ। तो आए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो के आगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, वहीं से हम आपको बताएंगे कंटेंट पे कैसे वर्क कर पाएंगे, कैसे कैसे आपको क्या करना होगा, सब कुछ मैं मोबाइल की स्क्रीन पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसे आप लोग बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो गई है। अब यहीं से हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, उस कंटेंट को दिखाने के लिए मैं चलता हूँ अपने यूट्यूब के एप्लीकेशन में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा यूट्यूब एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गया है। सबसे पहले दोस्तों, मैं उस कॉन्टेंट को यहाँ पे सर्च करता हूँ और उस कॉन्टेंट को यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ASMR क्लीनिंग क्लोथ वीडियो। आप ध्यान से देख लीजिए भाई, ASMR क्लीनिंग क्लोथ वीडियो आपको सर्च करने होगा। जैसे आप ये चीज सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वीडियो यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसे दोस्तों, ये वाला बंदा क्या कर रहा है, भाई शूज को साफ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब नीचे मैं और भी नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे जैसे आ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ASMR वीडियो मिल जाएंगे। जैसे ये वाला चैनल यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्लोथ को यहाँ पे साफ कर रहा है, ठीक है। अब मैं इनके चैनल पे आ रहा हूँ। चैनल पे आने के बाद पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट में आ रहा हूँ। शॉर्ट में आने के बाद पहले मैं इनका मोस्ट पॉपुलर पे व्यूज दिखाता हूँ। आप ये देखिए दोस्तों, हर वीडियो में कपड़ा ही साफ करते हैं। अब कपड़ा साफ करने से यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96 मिलियन, 32 मिलियन, 22 मिलियन, यहाँ पे 18 मिलियन, 17 मिलियन, 13 मिलियन। भाई देख सकते दोस्तों, सिर्फ कपड़ा साफ करके वीडियो डाला जा रहा है और कितना जबरदस्त व्यूज है। और ये विदेशों का वीडियो, पहले मैं ये भी कंफर्म करवा देता हूँ आपका कि ये विदेशों का ही वीडियो है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इनका यहाँ पे कंट्री यूनाइटेड किंगडम है, मतलब ये यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पे वीडियो है। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा, भाई ये जो वीडियो है ना, ये विदेश का वीडियो है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तो आपने मोस्ट पॉपुलर का व्यूज देख रहे, भाई कितना खतरनाक आ रहा है। अब जो ये लेटेस्ट में वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लेटेस्ट में वीडियो डाल रहे हैं, मतलब आज कल परसों में डाल रहे हैं, उस पर यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4,59,000, 4 मिलियन, ठीक है, यहाँ पे 6.2 मिलियन, 13 मिलियन, यहाँ पे 1.9, 6.1 मिलियन। भाई जबरदस्त व्यूज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई ऐसे कॉन्टेंट भाई हर एक लोग देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो रिसेंट में भी डाला जा रहा है उसमें भी कितना खतरनाक व्यूज आ रहा है। तो आपको भाई इस कॉन्टेंट का रीच क्या, वो तो देख के पता चल गया होगा। अब ये तो पता चल गया, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, कि ये वीडियो आपको मिलेगा कहाँ से, वही इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको सेम यही चीज सर्च करना है, यहाँ पे ASMR क्लीनिंग क्लोथ वीडियो। अब जो मैंने यहाँ पे चैनल यहाँ पे दिखा था, इसी चैनल को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए तो यही वाला चैनल नहीं भाई, यहाँ पे बहुत सारे चैनल आएंगे, ठीक है। आप जैसे यूट्यूब पे आएंगे ना, तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे वर्क किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये जैसे चैनल, मैं एग्जाम्पल यही वाला चैनल यहाँ पे लेता हूँ, लेकिन आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे जहाँ से आपको ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे। अब यहाँ से इन्हीं लोगों की वीडियो आपको डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। अब वीडियो डाउनलोड यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एक वीडियो कितने कितने मिनट के, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 19 मिनट का है, कोई 4 मिनट, कोई 17 मिनट, कोई 19 मिनट, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा मिनट का वीडियो रहता है। अब इसी में से आपको काट पीट के अपना वीडियो बनाना होगा। अब देखिए, मैं अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, भाई यूट्यूब की वीडियो मैं डाउनलोड करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, भाई तो प्रॉब्लम नहीं होगी यार। देखिए, मैं यूट्यूब का एक लॉ बताता हूँ, मतलब यूट्यूब का एक रूल बताता हूँ कि भाई यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज कैसे करता है। देखिए, यूट्यूब का ये कहना होता है ना, आप किसी का वीडियो उठा लीजिए, कहीं से भी वीडियो उठा लीजिए, इंस्टाग्राम से, फेसबुक, कहीं से भी वीडियो उठा लीजिए, लेकिन उसमें आपका जो एक्टिविटी है, आपका जो उसमें आपका मेहनत होना चाहिए। तो आपको कैसे आप इस वीडियो में अपनी एक्टिविटी ऐड करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आपको यहाँ से वीडियो क्या करना होगा, उठा लेना होगा यार। लेकिन मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करने का प्रोसेस नहीं बता सकता, क्योंकि ये यूट्यूब कंपनी गाइडलाइन से खिलाफ है। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो डाउनलोड करना है ना, तो आप आज ही मेरे टेलीग्राम पे भाई हर एक प्रोसेस पे वीडियो मिल जाएगी, कैसे कैसे आपको कहाँ से वीडियो डाउनलोड करना होगा। तो आज ये दोस्तों मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब डाउनलोड करने का भी प्रोसेस आपको पता चलेगा जब टेलीग्राम पे जाएंगे तब। अब डाउनलोड करने के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है एडिटिंग। एडिटिंग कैसे करेंगे? तो मैं एडिटिंग के लिए यूज करता हूँ पावर डायरेक्टर। आप जिस भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं उसको ओपन कर लीजिएगा। शुरुआती में आपको बनना है शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ना, आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट का, जस्ट आपको न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा। अब शॉर्ट बनाना है भाई, तो शॉर्ट का रेशियो होता है 9:16, और शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ भाई, क्योंकि शॉर्ट में हल्का सा क्रिएटिविटी दिख रही है, तो यूट्यूब उसको तुरंत तुरंत वायरल कर दे रहा है। तो आपको यहाँ पे 9:16 पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, मैंने क्या किया था भाई, वो वीडियो को डाउनलोड किया था, ठीक है। तो वो आपके डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाएगा। डाउनलोड में आने के बाद भाई, आपको वो वाली वीडियो यहाँ से ले लेनी होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने वो वाली वीडियो यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए दोस्तों, क्या है ना, सबसे पहले इसमें कमी क्या है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये इतना पतला सा दिख रहा है शॉर्ट, तो भाई कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको करना है, इसको बड़ा करना होगा। तो बड़ा करने के लिए वीडियो पे टैप करना है। वीडियो पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो पेंसिल का ऑप्शन है, पेंसिल पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पेंसिल पे टैप करेंगे ना, अब पेंसिल पे टैप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे पहले स्क्रॉल करके इसको हटाना होगा, ठीक है। अब स्क्रॉल करके जैसे हटाएंगे, फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रॉप का,
जस्ट आपको इसी क्रॉप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे फिर आपको अपनी उंगली इस प्रकार से स्ट्रेच करके इसको बड़ा करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको इस प्रकार से बड़ा कर रहा हूँ। अब आपको इतना बड़ा कर देना है। अब देखिए दोस्तों यही वीडियो जो मेरा छोटा सा वीडियो दिख रहा था, अब ये वीडियो कितना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, अब लेकिन देखिए दोस्तों वीडियो तो बड़ा हो गया लेकिन अभी इस वीडियो में कुछ ना कुछ कमी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे 4 मिनट की है। अब भाई शॉर्ट वीडियो का जो रेशियो होता है भाई 1 मिनट से कम होता है, तो जाहिर सी बात दोस्तों आपको 1 मिनट से कम बनाना है। तो 1 मिनट से कम बनाने के लिए देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसको हल्का सा फास्ट कर देना होगा। फास्ट करने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे जो पेंसिल का ऑप्शन है पेंसिल पे क्लिक करना है। जैसे पेंसिल पे टैप करेंगे फिर यहाँ पे आपको एक स्पीड का ऑप्शन है, स्पीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्पीड पे टैप करेंगे अब इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे 2x पे कर देता हूँ। अब ये 4 मिनट का वीडियो है तो ये हो गया है आप 2 मिनट का। ठीक है, अब मेरी वीडियो यहाँ पे 2 मिनट की होगी। अब लेकिन 2 मिनट की, लेकिन मुझे करना है इसको 1 मिनट, तो 1 मिनट करने के लिए आपको बीच बीच में से पार्ट आपको कट करके निकालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इस यहाँ पे आपको पेंसिल पे टैप करना है। पेंसिल पे टैप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन देखने मिलेगा, स्प्लिट पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, अब स्प्लिट पे टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा लास्ट में आना है। ठीक है, लास्ट तक आपको यहाँ तक आपको कट कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से वही काम कर रहा हूँ भाई, स्प्लिट पे यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये करप कर रहा है तो फिर आप स्प्लिट पे टैप कर दे। स्प्लिट पे टैप करने के बाद अब ये जो बीच वाला यहाँ पे पार्ट है, ठीक है, इसी को मुझे डिलीट करना है, तो मैं इस पर टैप कर दे रहा हूँ। टैप करने के बाद फिर यहाँ पे आपको डिलीट पे टैप करना है। जैसे आप डिलीट पे टैप करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों अब क्या हो गया, अब देखिए दोस्तों ये 56 सेकंड का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे बिफोर और आफ्टर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे यही वाली वीडियो आप लोग देखिए यहाँ पे किस प्रकार से इस प्रकार से कर रहा है। अब देखिए जो बीच मैंने कट किया है वो ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पे साफ कर रहा है, साफ करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से किया यहाँ पे देखिए बीच में जो मैंने कट किया वो पता भी नहीं चल रहा भाई, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि बीच में से पार्ट कट किया गया। अब ये वीडियो क्या हो गया भाई, ये लगभग लगभग आपकी हो गई। ठीक है, अब क्या करना भाई, इसमें आपको ये जो जो उस बंदे की वॉइस आ रही है ना, उस बंदे की वॉइस को आपको हटाना होगा, जो खुर्र करके आवाज़ कर उसको ख़त्म करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो इस वीडियो पे टैप करना है, फिर आपको पेंसिल पे टैप करना है। पेंसिल पे टैप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम का ऑप्शन देगा, वॉल्यूम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वॉल्यूम पे टैप करेंगे फिर आपको यहाँ पे जो है 100 है इसको आपको पूरा का पूरा 0 करना है। अब सेम प्रोसेस जो आपने कट लगाया है वही काम आपको करना है, फिर वॉल्यूम पे टैप करके 0 करना है। जैसे ये आपको पहले ही कर देना होगा, जो ये आपने कट लगाया बीच में तो आपका ये पहले ही हो जाएगा ना, तो आपका ये पूरे वीडियो में भाई मतलब कट लग जाने वाला है, तो ये काम आपको पहले ही कर देना है। ठीक है, अब ये होने के बाद अब एक और आपको इसमें काम करना है भाई, इसमें आपको फिल्टर ऐड करना होगा। फिल्टर का मतलब होता है कलर। कलर ऐड करने से क्या होगा ना कि ये वीडियो लगभग लगभग आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो कलर कैसे ऐड करना है भाई, ये देखिए ये काम आपको पहले ही करना है, ये कट लगाने से पहले ही कर लेना, तो आपका एक ही बार में पूरे वीडियो में लग जाएगा। तो फिल्टर ऐड करने के लिए वीडियो पे टैप करना है। वीडियो पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो पेंसिल का ऑप्शन है पेंसिल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पेंसिल पे टैप करेंगे फिर यहाँ पे आपको एक फिल्टर का ऑप्शन देगा, फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे फिल्टर पे टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब इसमें आप किसी भी एक फिल्टर पे टैप करें, यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर हैं, मैं एक फिल्टर पे टैप किया, अब इसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया। अब हो सकता है भाई ये कलर आपको अच्छा ना लगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एक एडजस्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर 100 है, इसको आप अपने मन मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा जहाँ तक आपको आपको अच्छा लगे। अब यही काम आपको, ये जो बगल में कट लगा वही काम आपको करना है। फिल्टर पे टैप करना है, कोई भी आना है फिल्टर पे टैप करके ऊपर एडजस्ट यहाँ पे करना है। ठीक है, मैं एक्चुअल नहीं बता रहा हूँ, 10 रखना है, 20 रखना है, 25 रखना है, जहाँ तक आपकी वीडियो वहाँ जहाँ तक आपको अच्छा लगे वहाँ तक आपको रख देना है। आप देखिए दोस्तों ये वीडियो लगभग लगभग मेरा हो गया, लेकिन लगभग लगभग से काम नहीं चलने वाला, इसको बनाना है आपको 100%। तो 100% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें अपनी वॉइस ऐड करनी पड़ेगी भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉइस बहुत सिंपल प्रोसेस है भाई, आराम से आप ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करना है वो सीखिए आप लोग। आपको वीडियो पे टैप करना है, वीडियो पे टैप करने के बाद फिर से आपको पेंसिल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पेंसिल पे टैप करेंगे फिर से आपको यहाँ पे एक आइडियो टूल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आइडियो टूल पे टैप करना है। जैसे आइडियो टूल पे टैप करेंगे यहाँ पे वॉइस ओवर का ऑप्शन दिया, वॉइस ओवर पे टैप करना है। फिर यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया, रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे रिकॉर्डिंग पे टैप करेंगे फिर आप ओके पे टैप करेंगे, आपकी जो रिकॉर्डिंग है ना वो स्टार्ट होने लग जाएगी। तो मैं आपके सामने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आज हम कई वर्षों पुराने एक कपड़े को यहाँ पे साफ करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं साफ करने में लग गया हूँ, ऊपर से यहाँ पे इस पे सर्फ वगैरह डाल रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से यहाँ पे इसको यहाँ पे मशीन से यहाँ पे साफ कर रहा हूँ। अभी लास्ट में आप इसका सफाई देख के भाई चौक जाने वाले हैं, काफी ज्यादा जबरदस्त सफाई होने वाली है। आप लोग देखते रहिए भाई लास्ट तक वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो जबरदस्त होने वाली है। ऐसी वीडियोज देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। यहाँ पे देखिए जैसे मैं ये वॉइस का प्रोसेस बता रहा हूँ ना, सेम इसी प्रकार से आपको वीडियो देखते रहना है भाई, बोलते रहना, मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन आपको भाई पूरे वीडियो में वॉइस देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना दिया, लेकिन आपको अपने जहां तक आपकी वीडियो रहेगी भाई, जितना भी सेकंड का वीडियो रहेगा, ठीक है, आपको वहां तक वॉइस देनी है। अब जैसे मैंने वॉइस दिया भाई, आप एक बार मेरी वॉइस आप लोग सुनिए भाई, मेरी वॉइस कैसी आ रही है यहाँ पे देखिए दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे आज हम कई वर्षों पुराने एक कपड़े को यहाँ पे साफ करके दिखाने वाले हैं। जैसे मैंने कपड़ा बोला है, आप चटाई बोल सकते हैं, मैट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका नेम लग गया हूँ ऊपर से, यहाँ पे इस पे सर्फ वगैरह डाल रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर से यहाँ पे इसको यहाँ पे मशीन से यहाँ पे साफ कर रहा हूँ। अभी लास्ट में आप इसका सफाई देख के भाई चौक जाने वाला है, काफी ज्यादा जबरदस्त सफाई होने वाली है। आप लोग देखते रहिए भाई लास्ट तक वीडियो को, क्योंकि भाई देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। मेरी वाइफ जो ना वो काफी जबरदस्त लग रही है, अब वीडियो भी जबरदस्त लग रहा है, बस आपको भी इसी तरीके से काम करना है। अब देखिए दोस्तों मेरी वीडियो पूरी पूरी कंप्लीट हो गई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी तो भाई वीडियो बिल्कुल फीका फीका से लग रहा है, अगर आप कुछ इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे ना तो वो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ऊपर अगर आप लिख देंगे ना कि मतलब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ भाई, मैं लिख दूंगा मतलब कई साल पुराना कपड़ा को चमका कर किया साफ, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट आ जाएंगे, तो मैं एग्जाम्पल के लिए भाई यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये लेने के बाद आपको इसी में लिखना है। तो लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे जो पेंसिल का ऑप्शन है पेंसिल पे टैप करना होगा। जैसे आप पेंसिल पे टैप करेंगे फिर आपको यहाँ पे इसी पे टैप करके आपको लिख देना होगा। तो मैं यहाँ पे जो भी लिखना है भाई मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, लिखने के बाद आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए जैसे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ हूँ 50 साल पुराना कपड़ा, अभी मैं उसके नीचे भी ऐड करूंगा। देखिए अब यहाँ पे इतना सब करने के बाद यहाँ पे एक राइड का ऑप्शन देखेंगे, राइड का आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा 50 साल पुराना कपड़ा यहाँ पे लिखा, अब नीचे मैं और भी लिख देता हूँ 50 साल पुराना कपड़ा मतलब साफ करके क्या बिल्कुल नया। उसके लिए फिर से वही काम करना भाई, वही काम करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे फिर यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट आ जाएंगे, वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वो टेक्स्ट ले लिया, अब जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मतलब 50 साल पुराना कपड़ा को किया नया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ को किया नया। यहाँ पे देखिए अब यही काम करना, एडिट टेक्स्ट पे टैप करना, सिर्फ सेम वही प्रोसेस है भाई, 50 साल पुराना कपड़ा को कर दिया नया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे एक साथ हो गया, मैं इस पे स्पेस देता हूँ, कर दिया नया। ठीक है, अब इसमें कोई इमोजी वगैरह मारना चाहते तो भाई आप इमोजी मार दीजिए, इस प्रकार से मार दीजिए। तो मैं इस पे राइट पे टाइप कर दिया। आप देखिए दोस्तों यही वाला कंटेंट, आप देखिए जो ये जो अभी कुछ देर पहले फीका फीका लग रहा था, आप देखिए दोस्तों कितना खतरनाक लग रहा है। अब और भी इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए ये तो भाई दोनों सेम कलर, तो उसको कलर वगैरह चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भाई फिर से वही काम करना, आपको पेंसिल पे टाइप करना है। पेंसिल पे टैप करने के बाद फिर से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बैकड्रॉप का ऑप्शन था, बैकड्रॉप पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप बैकड्रॉप पे टैप करेंगे फिर आपको यहाँ पे जो कलर का ऑप्शन था कलर पे टैप करना होगा। जैसे आप कलर पे टैप करेंगे फिर यहाँ पे बहुत सारे कलर, कोई भी यहाँ पे कलर पे टैप कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो गया। अब मान लीजिए भाई ये कलर तो मैंने ऐड कर दिया, अगर आपको उसको और भी कुछ इसमें एडिटिंग वगैरह करना है, मान लीजिए इसका फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉन्ट पे टैप किया, अब ये फॉन्ट कर देंगे, ये फॉन्ट कर देंगे, तो मतलब बहुत सारे फॉन्ट है, जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगा उस फॉन्ट पे आपको क्लिक कर देना। मैंने ये ले लिया, अगर आपको इसमें और भी मतलब यहाँ पे देखिए इस पे टैप करेंगे तो इसका बॉर्डर साइडो यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन दिया है, फॉन्ट कलर यहाँ पे फॉर्मेट फिर यहाँ पे बॉर्डर फिर यहाँ पे साइड, मतलब कई सारे ऑप्शन दिया है। तो अगर आपको कलर चेंज करना है तो भाई कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आप बॉर्डर वगैरह में कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ऊपर येलो कलर का, नीचे यहाँ पे व्हाइट कलर का, 50 साल पुराना कपड़ा को कर दिया नया, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे जो यहाँ पे थोड़ा सा खाली ये भाई बिल्कुल फीका फीका दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ अगर ऐड करना है तो भाई यहाँ पे आपको और भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्टिकर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आपको स्टिकर पे टैप करना है। जैसे आप स्टिकर पे टैप करेंगे ना फिर आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, फिर यहाँ पे सब्सक्राइब पे टैप करना है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये सब्सक्राइब वाला ऑप्शन है यहाँ पे इसको लगा देना है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे लगा दिया। अब आपको करना क्या भाई, देखिए अब यही वाला कॉन्टेंट भाई पहले कैसा लग रहा था, अब ये कॉन्टेंट कितना ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। अब जहां तक आपकी वीडियो है फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये वाली वीडियो मेरी यहाँ तक है, अब आपको यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जो छोटा सा ऑप्शन दिया ना इस पे आपको क्लिक करके पूरे वीडियो में आपको पढ़ा देना होगा, इस पे टैप करके जहां तक आपकी वीडियो भाई वहां तक आपको पढ़ा देना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो नीचे है दो इसको भी इसी प्रकार से आपको टैप करके जहां तक आपकी वीडियो है, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये जो छोटा सा ऑप्शन है इसी पे क्लिक करेंगे तो आपको बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये भी बढ़ गया, उसी प्रकार जो भी बचा है ये तीनों आपको बढ़ा देना है। तो मैंने यहाँ पे तीनों यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से लिखना होगा और तीनों इस प्रकार से आपको पढ़ाना होगा, यही काम करना है दोस्तों, इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको हर एक चीज मैंने बता दिया है। अब अगर आप इसमें कोई म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, जैसे भाई आप मेरी वीडियो देख रहे ना नीचे से आपको हल्की हल्की म्यूजिक सुनाई दे रही तो देखने में भाई मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रोसेस, उसके लिए भाई यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे फिर आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन देखने के लिए
मिल जाएगा। जैसे आप म्यूजिक पे टैप करेंगे ना, उसके बाद आप जो भी म्यूजिक डाउनलोड करेंगे भाई, उस म्यूजिक को आपको ले लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक म्यूजिक यहाँ पे डाउनलोड किया भाई, ये ले लिया हूँ। अब ये म्यूजिक बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। अगर आपको भी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चाहिए तो आप आ जाइए मेरे टेलीग्राम पे भाई, मैंने बहुत सारे म्यूजिक यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, हर एक म्यूजिक कॉपीराइट फ्री है। जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए, अपने वीडियो में यूज करिए, आपके चैनल पर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने म्यूजिक यहाँ पे देखे उसको नीचे ऐड कर दिया। अब जहाँ तक आपकी वीडियो वहाँ तक म्यूजिक लेनी है, उसके आगे पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। उसके लिए आपको करना होगा, यहाँ पे जो पेंसिल का ऑप्शन दिया है पेंसिल पे टैप करना होगा। ठीक है, पेंसिल पे टैप करने के बाद फिर से आपको स्प्लिट पे टैप करना होगा। जैसे स्प्लिट पे टैप करेंगे कट लग जाएगा, कट लगने के बाद डिलीट पे टैप करना है भाई, ये वाली जो म्यूजिक है ये आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने मेरी म्यूजिक यहाँ पे लगी, अब मेरी वीडियो आप सुनिए। आप कपड़े को यहाँ पे साफ करके दिखाने वाले हैं, यहाँ पे देखिए म्यूजिक कितना खतरनाक लग रहा है भाई। म्यूजिक भी अच्छा आ रही है, वॉइस भी अच्छा रही है। अब हो सकता है भाई कुछ लोगों के वॉइस पे ये म्यूजिक बहुत तेज लगे या फिर कम लगे, उसके लिए आपको करना होगा म्यूजिक पे टैप करना होगा। म्यूजिक पे टैप करने के बाद यहाँ पे पेंसिल पे टैप करना होगा। जैसे पेंसिल पे टैप करेंगे ना, फिर आपको करना होगा यहाँ पे वॉल्यूम आता है। अब आपको अपने अपने वॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं एक्चुअली नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि कुछ लोगों के वॉइस मोटा रहता है, पतला रहता है, तो आप अपने वॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद आप मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई, अब मैं भी मतलब यूज करूंगा ना, तो मेरे चैनल पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अब ये वीडियो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सेव करके गैलरी में लाने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे ना, फिर आपको यहाँ पे प्रोड्यूस एंड शेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोड्यूस एंड शेयर पे टैप करेंगे, फिर आपको यहाँ पे 1080p पे टैप करके प्रोड्यूस पे टैप करना है, यह वीडियो सेव होकर आपके गैलरी में आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको इस कंटेंट के बारे में हर एक चीज पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस कंटेंट की कैटेगरी क्या रखेंगे। भाई देखिए, ये कंटेंट लोगों को दिखा के आप इंटरटेन करेंगे, तो आप इसको इंटरटेनमेंट कैटेगरी में रखिएगा। और जब भी आप वीडियो अपलोड करते जाएंगे ना, तो आपको वहां पे एक ऑप्शन देता है भाई, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, इस प्रकार से ऑप्शन देता है। तो वहां पे आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी सभी के लिए। ठीक है, तो यार अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर से पूछेगा, और ज्यादा ही बड़ा डाउट है तो आप आज मेरे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम यूजर नेम @abhitechtips, वहां पे ही मुझे फॉलो करें, अपने क्वेश्चन को पूछे। जैसे मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, बाय।